जाता हूं मंदिर, जलाता हूं अगरबत्ती, लोग मुझे कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती। क्या बात है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार केवट, हमारे साथी संजय गुप्ता। आप हमारे साथी को संजय गुप्ता सतना के नाम से YouTube पर देख सकते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं अमित जी, जो हूबहू मिथुन जी की फुल एक्टिंग के साथ आवाज निकालते हैं। जी संजय जी बताइए। बिल्कुल, और लोग देख भी उतनी तेजी से रहे हैं, और यहाँ भी देखिए लोग इकट्ठे हो चुके हैं मिथुन दा की आवाज सुनने के लिए। और अमित जी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अमित जी बहुत सच्चे दिल के इंसान हैं, और जब एक्टिंग करते हैं तो लोग इन्हें देखते रह जाते हैं। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, अमित जी मिथुन जी की ऐसी आवाज के साथ एक्टिंग करते हैं कि आपका दिल खींच लेंगे आपकी ओर। जी अमित जी, ताजुब, हैरान, अचंभित, आश्चर्यचकित, घबराना, हड़बड़ाना, या कि फिर किसी प्रकार की सोच विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पंजा मैंने एक पंजे की पांच अंगुलियां समाज के लिए इसलिए दिखाया है कि जिस तरह से एक पंजे की पांच अंगुलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी तरह से मंदिर की पावन पवित्र धरती पर वक्तव्यों को बोलने वाला हर मर्द एक जैसा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। डायलॉग अच्छा, मिथुन जी का दमदार। माता की कोख से कभी बच्चा राक्षस चरित्रहीन और अनपढ़ बनकर के पैदा नहीं होता, उसे राक्षस बनाया जाता है, उसे जिंदगी और मौत की कहानी ये समाज है, परिवार उसका जमाना देता है। एक छोटे बच्चे को जैसे चाहे मूरत में ढाल सकते हैं, छोटा बच्चा तो गीली मिट्टी की तरह है, जैसे चाहे आकार में ढाला जा सकता है। गीली मिट्टी को चाहे हम परमात्मा का रूप दे दें, चाहे हम बैल का रूप दे दें, चाहे राक्षस का रूप दे दें, अपने आप पे ढल जाता है। उसी प्रकार से छोटा एक मासूम और नादान बच्चा है, जैसे चाहे परिवार उसको, उसके माता पिता उसको अंगनी बना सकता है। क्या बात है। देखो भाइयों, आकाश से बढ़कर पिता और धरती से बढ़कर के माँ होती है, उनके सागर में जिंदगी और पूरी सच्चाई और पूरा स्वर्ग समाया हुआ है। जननी जन्मभूमि चा जननी चा जनार्दना। इसलिए ऐसे माता पिता जो पूजनीय है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपने खून का बलिदान तक दे देते हैं, अपने जिंदगी को दांव में लगा देते हैं, ऐसे माता पिता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत अच्छी सीख दिए हैं लोगों को और समाज को, और आजकल के बच्चों को एक बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं अमित जी अपनी आवाज के माध्यम से। संजय, यकीनन ये आवाज सबके घरों तक। अमित जी वो खाट वाली एक बार डायलॉग दमदार कैसा। जीना है तो वनराज की तरह जियो, जीने को तो एक से एक जिया करते हैं, मरना ही है तो रण क्षेत्र पर मरना, टूटी खटिया में तो एक से एक मरा करते हैं। वाह 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 वाह। अमित जी कोई मिथुन जी का और अच्छा डायलॉग दाता होता फिल्म का जो भी हो। इसको डांसर जिंदगी बोलो, जो मेरे बापू ने तुझे जेवर दिए थे वो जेवर असली थे या नकली, अब सीधी तरह से बता दे, नहीं तो मैं तेरे शरीर के इतने चिथड़े करूंगा, इतने चिथड़े करूंगा कि इन चिथड़ों को गिनते गिनते तेरे आने वाली औलाद की उम्र गुजर जाएगी। सही बोल रहे जी अमित जी। धरती की कोख से आज तक ऐसा अगर लोहा पैदा भी है जिसे मोम बनाकर धरती में तरल भाव बना देता हूं, अब ये भीष्मा अपनी वर्दी को उतार, नहीं तो जेल की चार दीवारी में चक्की पीसेगा। अबे अगर मेरे भाई को कलर पकड़ा तो जहां जहां तेरा वदन है खरोच करके बारूद से जला दूंगा, क्योंकि सूर्यायाग की वो चिंगारी है, सूर्यायाग की वो चिंगारी है जो किसी भी वक्त बारूद में आग लगा सकती है। यहां के जाने के बाद एक बात याद रखना मिनिस्टर, कि शहर जुर्म का एक भयानक जंगल है और मैं इस जंगल का शेर हूं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। जंगल में रहना है तो शेर की गुलामी कर, वरना जो हाल तेरे भाई का हुआ है वही हाल तुम्हारा हो सकता है। क्या बात है। देखो भाइयों, इस जमाने में हर इंसान को अपनी जिंदगी को जीने का एक अलग ढंग होना चाहिए। हम अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस पर सच्चाई की एक बलवानता और उसके हृदय का एक दास्तानता का मुदर, एक मुहर लगनी होनी चाहिए। वो सच्चाई के बल पे इतना आगे बढ़ेगा कि ईमानदारी का चेहरा तक शर्म से झुक जाएगा। इसलिए भाइयों, हम अपने आप से ही नहीं आपसे भी विनती करेंगे कि जो कुछ मैं अपने लिए जुटाया है वह तो एक सपना है, लेकिन जो कुछ मैं दान धर्म करके दूसरों को दिया है
वही सिर्फ अपना है। वाह 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 वाह। तो दोस्तों ये थे हमारे अमित जी जो मिथुन चक्रवर्ती जी की हूबहू आवाज निकालते हैं। आप इनके वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं भाइयों से पूछना चाहता हूँ जो पीछे खड़े हुए हैं संजय जी कि इनको मालवी जी कैसा लगा, कैसा लगा इनका ये वीडियो आप बताएंगे? इनका वीडियो बहुत अच्छा लगा जी भैया, उत्तम भैया, और हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं सब भाई लोग हमारे पीछे। संजय जी दादाजी हैं, बिल्कुल आइए दादाजी सामने आइए। ये कैसा लगा आपको मिथुन जी की आवाज सुनकर बताइए? बहुत बढ़िया लगा भैया। हाँ बहुत अजीब लगा। अच्छा। और इनके जैसे मैं अभी नहीं पाया हूँ। हाँ, 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 मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, इनकी आवाज। हाँ, बहुत बहुत। तो और आपको कैसा लगा छोटू आप बताओ? ये हमारा छोटू है, हर एक वीडियो में रहता है। कुछ दिनों बाद हम इसका भी वीडियो बनाने की कगार पर आ जाएंगे। बहुत नटखट है। छोटू तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें अच्छा लगता है वीडियो की नहीं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। मिथुन दा की आवाज निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते? फुल आवाज निकाल लेते हैं। फुल आवाज निकालते हैं, देखा आपने। और लोग चाहने वाले हैं। जी जी जी, ठीक ना। तो एक और कुछ सुना दीजिए कुछ ऐसा। भीमा जब तक तुम्हारा गुलाम था, तुम्हारे हर जुल्म को सहना अपना कर्तव्य समझा था, मगर आज भीमा के सामने उसे नमक खिलाने वाला मालिक नहीं, मेरी बहन का विधवा करने वाला हत्यारा खड़ा है। बहन की सोनी मांग अपने भाई से राखी का कर्ज मांग रही है और इस कर्ज का हिसाब भीमा तुझसे लेगा। और जाकर हमने अपनी ईमानदारी के नाम से ये बात अपने पिताजी को नहीं बताई, बल्कि मां मुझे जानती थी कि तू भीष्मा बनकर अपनी मुट्ठी में अपने जीवन का वरदान लेगा, क्योंकि भीष्मा की मृत्यु भीष्मा की मुट्ठी में आए। भीष्मा जहां जाता है जुर्म की आवाज को कैद कर देता है, जुर्म की भट्टी को जला के खाक कर देता है, ईमानदारी और शराफत के इतिहास पर नया इतिहास रच देता है, क्योंकि भीष्मा को आगे बढ़ाने के लिए इस धरती में कोई ताकत पैदा नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है।